नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में आज रंगों के त्योहार होली की रही धूम। प्रदेश में भी बिखरे गुलाल और अबीर। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी होली की शुभकामनाएं। चमोली के गोपीनाथ मंदिर में भक्ति के रंग में सराबोर हुए श्रद्धालु। 64 गांव के लोग खेलते हैं कान्हा को साक्षी मानकर होली। देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। प्रदेश में अनूठी होली मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। खटीमा के गांव में है परंपरा। होलिका दहन से पहले जिंदा तो दहन के बाद होती है मरी होली का आयोजन। और पुलिस पौड़ी जिले में चला रही ऑपरेशन मुक्ति अभियान। बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अब तक 55 बच्चों की हो चुकी है पहचान। अब समाचार विस्तार से। देशभर में आज रंगों का त्योहार होली बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। मंदिरों में इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रदेश में होली के त्योहार की धूम रही। देहरादून में राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली खेली। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का पर्व प्यार और सौहार्द का पर्व है। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। होली से न केवल हम कृष्ण जी का प्रेम की लीला, लेकिन एक अलग प्यार, त्याग और प्रेम का एक संदेश है। ये आज का दिन ऐसा है जो हमको एक यूनिटी, एक वननेस, एक जॉइंटनेस, एक भाईचारे का संदेश देता है। ना केवल ये रंग है, लेकिन ये हमारे जीवन के अंदर में एक अलग ही उत्साह, एक पर्व और त्योहार में हम सबको इकट्ठा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सबके जीवन में रंगों का ये पर्व खुशियां लेकर आए। सीएम धामी ने सभी लोगों से अपील की है कि सौहार्दपूर्ण होली पर्व मनाएं। हमारा रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और होली में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि होली के रंगों की तरह हर खुशियों के रंग सबके जीवन में आए। भगवान सब पर कृपा करें, हर प्रकार के कष्टों से दूर रखें और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, उसमें भी इस होली में हम सब का योगदान सुनिश्चित हो, ये संकल्प भी हम सबको लेना चाहिए। क्योंकि इस बार की होली के त्योहार के साथ साथ ये लोकतंत्र का भी त्योहार है और लोकतंत्र के त्योहार में जिस प्रकार का आज एक वातावरण निर्मित हुआ है पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र के महापर्व के मतदान के दिन का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। देहरादून में सुबह से ही होलियारों की टोली ढोलक और ढफली की थाप पर नाचते हुए गली गली पहुंचे। इस मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग बरसाया और उनको रंगों से सराबोर किया। लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर परंपरागत पकवान बांटे और गुलाल व अबीर लगाया। गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न जिलों से भी होली उत्साह और उमंग के साथ मनाने के समाचार हैं। चमोली के गोपीनाथ मंदिर में सदियों से खेली गई परंपरागत होली का आयोजन किया गया। यहां 64 गूठ गांव के लोग यहां कृष्ण को साक्षी मानकर होली मनाते हैं। होलिका दहन के बाद मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण मंदिर में भस्म अर्पित करने के बाद रंग की होली खेली जाती है। देश विदेश से भी लोग यहां होली में भाग लेने आते हैं। रंगों से सराबोर रहे लोग यहां देर तक नाचते गाते रहे और होली के रंग में रंगे नजर आए।
आए। संस्कृति कर्मी मनोज तिवारी का कहना है कि मान्यता है कि श्री कृष्ण जब ब्रज में गोपियों के साथ रासलीला रचा रहे थे तब शिव ने गोपी का रूप धारण कर वो इस लीला में शामिल हुए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। तब से शिव के इस मंदिर को गोपीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज होली के पर्व पर गोपीनाथ मंदिर में 64 गांवों के लोग आते हैं और होली पर्व को बड़े ही उत्साह, भगवान शंकर को बलि चढ़ाकर भगवान गोपीनाथ को कृष्ण के और उनको साक्षी मानकर, जो तो मथुरा की होली है उसी प्रकार से गोपीनाथ की होली भी इस समय प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। होलिका दहन के पश्चात यहाँ पर आज छरोली का पर्व है और रंग और राख के साथ जो होलिका की जो राख है उसको भस्म को भगवान शंकर को चढ़ाकर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से पूरे गोपेश्वर में मनाया जाता है। ऋषिकेश से यहां पर परंपरागत होली देखने आए आकाश लिंगवाल ने कहा कि उन्हें यहां अपनी संस्कृति और परंपरा जानने का अवसर मिला। एक्चुअली मैं भी गढ़वाली हूँ तो मेरे को मेरे कल्चर के बारे में पता चला, तो मैंने देखा है ऑथेंटिक होली जिसे कहा जाता है वो यहाँ खेली जाती है, इसीलिए मैं यहाँ आया। तो कल आया मैं तो मैंने अपना कल्चर देखा है। मैं बहुत ही मतलब अभी तक आज तक मैं इस चीज के बारे में अननोन था एकदम। अन्य सैलानियों का भी कहना है कि गोपीनाथ मंदिर में होली किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। रखिये दोनों, ये भाई कोटद्वार से, मैं देहरादून से, और आज से 3-4 साल पहले आगे बहुत रील फेमस हुई थी गोपीनाथ टेम्पल की होली की, तो तब से हमारा मन था बड़ा यहाँ आने का, तो इस साल हो पाया है, चल हम पहुँचे हैं होली मनाने। और जो माहौल दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और मजा आ रहा है। यहाँ पे गोपीनाथ के प्रांगण में होली खेलने आ रखे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी होली खेली जाती है, ये गोपेश्वर की सबसे फेमस होली खेली जाती है यहाँ पे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी होली का त्यौहार धूमधाम और उमंग के साथ मनाया गया। अल्मोड़ा जनपद में होली धूमधाम से मनाई गई। अल्मोड़ा में पौष मास से बैठकी होली प्रारंभ हो जाती है। ये होली विभिन्न शास्त्रीय और रागों पर आधारित होती है। अल्मोड़ा सांस्कृतिक क्लब लक्ष्मी भंडार के संरक्षक और संस्कृति कर्मी त्रिभुवन गिरी ने कहा कि होली के पहले दिन राग पीलू से शुरू होकर रात के अलग अलग प्रहर में होली गाई जाती है। होली यानी छलड़ी के दिन प्रातः राग भैरवी पर संपन्न होती है, उसके बाद होली मनाई जाती है। रविवार से शुरू होती है और होली के टीके के दिन ये खत्म होती है। इसमें तमाम जितने रामलीला में जो प्रचलित राग हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं अर्थ शास्त्री, वो सब होली में हैं। तो दिन में पीलू से शुरू होती है, रात में फिर जैसे जैसे पहर बदलते रहे, शाम कल्याण है, कल्याण है, काफी है, जंगला काफी है, बिहाग है, सहाना है, परज है, जय जय बनती है, और सुबह तक भैरवी संपन्न होती है। उसमें आखिरी में सब लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। होलियार प्रीति बिष्ट और लता तिवारी ने कहा कि होली को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, विभिन्न मंचों के माध्यम से और घर घर जाकर होली गायन करते हैं, और होली के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होती हैं और हम होलियों में स्वांग प्रदर्शन कर अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश देते हैं। काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और बैठकी महिला होली होती है हमारे कुमाऊं की जो परंपरा है, उसमें हम लोग घर घर जाके टोलियों के साथ होली गायन करते हैं और खूब नृत्य करते हैं। वहीं नई टिहरी में रंगों के त्योहार पर जिला प्रशासन और आम लोगों ने गुलाल और अबीर लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने जिलावासियों को होली की शुभकामनाएं दी। नोएडा से होली मनाने आए दिलीप सिंह ने कहा वो परिवार सहित नई टिहरी में होली मनाने आए हैं और उन्होंने यहां पर रंगों और प्रकृति के साथ होली खेली। उनका कहना है कि यहां के लोग बड़ी शांतिपूर्वक होली मना रहे हैं। स्पेशली यहाँ होली मनाने के लिए आए, चंबा से हम टिहरी होके आए, स्पेशली टिहरी में आज के दिन हम होली मना रहे हैं और सारे लोग बहुत अच्छे हैं, रास्ते में कहीं परेशानी नहीं हुई, सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से होली मनाई, हमें बहुत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चेक, जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के
एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। थारू जनजाति के लोग होली का त्यौहार दो हिस्सों में मनाते हैं। होलिका दहन से पहले की होली को जिंदा होली और होलिका दहन के बाद की होली को मरी होली कहा जाता है। इस जनजाति के लोग सदियों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार ही होली मनाते हैं। उधमसिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। खटीमा के भूण, सुजिया, महुलिया, उमरू खुर्द, नंदत्रा, गोसी कुआ, भुड़िया, कुटरी, बिगरा बाग, गोहर पटिया, कुटरा आदि गांव में जिंदा होली मनाने का प्रचलन है, जबकि जादोपुर, बानुसी, चांदा, सैजना, चंदेली, गुरुखुड़ा, कुमराह, तिगरी, उल्धन आदि गांव में मरी होली खेली जाती है। उमर खुर्द के ग्राम प्रधान मुकेश सिंह राणा बताते हैं कि जिंदा होली की शुरुआत कुमाऊं की खड़ी होली से शुरू होती है, इसे खिचड़ी होली कहते हैं। जिंदा होली होलिका दहन तक मनाई जाती है। मान्यता है जिन गांवों में आपदा या बीमारियों से मौत हो जाती थी, उस गांव के लोग होली का त्यौहार होलिका दहन के बाद मनाना शुरू करते हैं। शुरुआत की जो होली होती है वो हमारे दो उसमें खेली जाती है, मरी और जिंदी। पहली होली जो होती है हमारे होली दहन से पहले खेली जाती है, और मरी होली होली दहन के बाद होती है। ऐसी परंपरा चली आ रही है हमारे थरुवाड की कि पहले हमारे थरुवाड में कोई आपदा आई होगी, या हमारे जो जिन जिन गाँव में आदमी ख़त्म हुए होंगे या मौतें हुई होंगी, तो उनसे उनको मरी होली खेलते हैं। और जो हमारी जो होली दहन से पहले खेली है उसे जिंदी होली बोलते थे। और जो जिस दिन से कुमाऊं में खड़ी होली खेली जाती है उस दिन से हमारी होली शुरू हो जाती है, उसे हम खिचड़ी होली बोलते हैं। और हमारी परंपरा ऐसी रही है कि अपने अपने परिधान में होली खेलते हैं और खूब रंग बिरंगे रंगों से सराबोर होते हैं। और जो लास्ट दिन होता है वो हमारा जो गांव का मुखिया होता है उसमें उसके घर में जो हम बोलते हैं धूल झड़ाते हैं उसे, लास्ट में उनके घर में होली होती है, खूब धूम धड़ाका से खेलते हैं। थारू जनजाति की महिला कोमल राणा का कहना है कि हमारे यहाँ पूरे एक महीने होली खेली जाती है। थारू समाज की बहुएं होली के दौरान ससुराल से मायके आती हैं। फागुन शुरू होते ही होली की शुरुआत उत्तर दिशा के घरों से की जाती है और दक्षिण दिशा में समापन होता है। जिस घर में होली खेली जाती है वहाँ गुड़ जरूर बांटा जाता है। हमारे यहाँ होली एक महीना चलता है, जो मैं 15 दिन जिंदी होली खेलते हैं और 15 दिन मरी होली। जिंदी होली होलिका दहन से पहले खेली जाता है और मरी होली होलिका दहन के बाद खेली जाता है। अब होली में हमारे यहाँ जो औरतें होते हैं वे अपने ससुराल से मायके आते हैं अपनी होली खेलन थाई। होली में हम पक्की मिठाई जो कि गुड़ बोलते हैं वो हम बांटते हैं। ढोल बजा के होली खेली जाते हैं जगह जगह, हर अपने गाँव की एक एक होली हर घर खेली जाता है ग्रुप बनाए बनाए कर। थारू जनजाति की महिला कमलेश राणा का कहना है कि पूरे महीने गांव में होली का जश्न होता है। जिंदा होली के बाद मरी होली मनाने का उत्साह गांव में कम नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि बहन बेटी को बुलाया जाता है और उन्हें कपड़े आदि दिए जाते हैं। लोग आज भी पूरे उल्लास से होली का जश्न मनाते हैं। हमारे यहाँ पे अब होली को त्योहार आएगा है, खूब अच्छे से मतलब खूब धूमधाम से हमारे यहाँ होली खेलते हैं। एक महीना पहले से खेलन डर जाते हैं हमारे यहाँ पे, मरी खेलते हैं, जिंदी खेलते हैं, दोनों होली खेले जाते हैं हमारे यहाँ पे। पौड़ी पुलिस का मानव तस्करी निरोधक दस्ता इन दिनों जिले की विभिन्न क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति के खिलाफ आम लोगों को जागरूक कर रहा है।
अभियान कोटद्वार, श्रीनगर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में चलाया जा रहा है। कोटद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने भिक्षा नहीं शिक्षा दो कार्यक्रम के तहत देवी मंदिर में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को संदेश दिया। इस अवसर पर जनपद पौड़ी की अपर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी ने बताया कि इसका नाम ऑपरेशन मुक्ति अभियान है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान कर अप्रैल माह से उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। अब तक जिले भर में 55 बच्चों की पहचान की जा चुकी है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान का नाम है और इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं उनको भिक्षा से हटाकर उनको शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें हमारे पौड़ी गढ़वाल में 3 टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें एक कोटद्वार है, एक श्रीनगर है और एक लक्ष्मण झूला है। इसमें जो पहला चरण होता है इसमें बच्चों को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद सेकेंड चरण जो होता है उसमें जागरूकता अभियान चलाया जाता है और तीसरे स्टेज में इसमें बच्चों का एडमिशन स्कूल्स में कराया जाता है। तो अभी तक 55 बच्चे हमने वेरीफाई किए हैं तीनों टीम्स ने मिलकर, और आजकल ये जागरूकता अभियान भी चल रहा है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर आज नुक्कड़ नाटक बच्चों द्वारा किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि शिक्षा का महत्व कितना अधिक है और लोगों को जागरूक किया गया है कि वो बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि भिक्षा दें। नुक्कड़ नाटक में भाग लेने वाली बालिका ने कहा कि उनका उद्देश्य भिक्षा और शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। बताना चाहती हूँ कि आज हमने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने लोगों को जागरूक किया है कि शिक्षा हम सभी के लिए जरूरी है। वहीं ऑपरेशन मुक्ति अभियान को लेकर स्थानीय लोग मानते हैं कि इससे भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगेगा, साथ ही बच्चों को शिक्षा भी मिल सकेगी। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी लोग काम करते हैं और लगता है कि ऐसे अगर सभी लोग इसमें जुड़ेंगे तो बदलाव आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को गलत हो या सही समाज को ले जाने में सभी की भागीदारी रहती है। और मुझे लगता है कि हम जैसे आम जनता को भी, आज मैंने इन लोगों का नंबर भी लिया और मैंने कहा कि हमसे भी जो सहयोग होगा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हम करेंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही, नमस्कार। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान,